सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द मेन टू इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ कैल्शियम होमियोस्टिसिस दैट इज हाइपोपैराथिज्म एंड हाइपर पैराथायरोडिज्म सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपो पैराथायरोडिज्म हाइपो पैराथायरिज्म जो होता है एज नेम सजेस्ट नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ द पैराथायरड हॉर्मोन से अगर डिक्रीज हो जाता है कंसनट्रेशन ऑफ द पैराथॉर्ड हॉर्मोन तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपो पैराथायरिज्म ये हाइपो पैराथायरिज्म जो होता है वो जैसे ही पैराथोरइड हार्मोन का नॉर्मल कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है दैट इज हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर पैराथोरइड हार्मोन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो उस वजह से पैराथोरइड हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता था दैट इज कैल्शियम को इंक्रीज कराना ब्लड प्लाज्मा में वो कैल्शियम को उतना इंक्रीज नहीं करा पाता है जिस वजह से कैल्शियम का ब्लड ब्लड में जो कैल्शियम का जो कंसनट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है दैट इज़ हाइपो हो जाता है और हाइपोकैल्सीमिया को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था दैट इज हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू तो नर्वस टिश्यू एक्साइटमेंट टेटनी एंड प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल ऑफ द हार्ट टेटनी जो होता है इस हाइपोकैल्सीमिया के केस में इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले कार, कार्पोपेडल स्पाजम देखने को मिलता है दैट इज लिम्स जो होते हैं उसमें भी जो हैंड uh, होता है वो सबसे पहले अफेक्टेड होता है देन अदर ऑर्गन्स और एमंग ऑल मसल्स सबसे पहले सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मसल जो होता है जो कि टेटनिक स्पाज्म के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है वो होता है लेरेंजियल मसल्स और लेरेंजियल मसल्स का जब टेटनिक स्पाज्म होता है तब जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन आता है रेस्पिरेशन में एंड फाइनली इट कैन लीड टू डेथ सो ये था कंप्लीटली हाइपोपैराथरेडिज्म सी हाइपोपैराथरेडिज्म के अंदर ब्लड कैल्शियम कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पैराथॉरोड हार्मोन की का अमाउंट कम है बट हमें पता है कि पैराथॉरोड हार्मोन के अमाउंट कम होने की वजह से बोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोन जो होगा वो अन रहेगा क्योंकि पैराथॉरोड हार्मोन क्यों ऐसा होगा क्योंकि जो पैराथॉरयड हार्मोन जो होता है वो बोन से कैल्शियम और फोस्फेट का रिलीज को इंक्रीज करवाता है अगर पैराथॉरोड हार्मोन कम है तो रिलीज ऑफ द कैल्शियम एंड फोस्फेट फ्रॉम द बोन नहीं होगा तो जो बोन था वो तो नॉर्मल ही रहेगा ना क्योंकि पैराथॉरोड हार्मोन था वो बोन से रिजॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है अब बोन का रिजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैराथॉरोड हार्मोन कम प्रेजेंट है अगर बोन वैसा का वैसा ही है उसमें से कैल्शियम बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इससे बोन को क्या फर्क पड़ेगा बोन तो अनफेक्टेड रहेगा मतलब बोन नॉर्मल रहेगा बोन स्ट्रांगर रहेगा इफेक्ट ये होगा जो ब्लड का जो कैल्शियम कंसेंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा जिस वजह से हाइपो और उसके फीचर्स डेवलप होंगे सो दिस वॉज अबाउट हाइपो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड डिसऑर्डर दैट इज हाइपर पैराथायर नाउ कमिंग टू द सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ द कैल्शियम होमियोस्टेसिस दैट इज हाइपर पैराथाइर सी हाइपर एज नेम सजेस्ट कि अगर पैराथायरॉड हार्मोन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपर पैराथायरेडिज्म डिपेंडिंग अपॉन द रीजन जो कि कॉज करता है ये इंक्रीज ऑफ द पैराथॉराड हार्मोन का कंसंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ऑफ इंक्रीज ये इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दैट इज़ प्राइमरी हाइपर पैराथायरेडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपर पैराथायरेटिज्म सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथॉरेटिज्म प्राइमरी हाइपरथेराडिज्म का जो रीज़न या फिर कॉज होता है वो होता है एबनॉर्मेलिटी ऑफ द पैराथरयड ग्लैंड पैराथॉरोड ग्लैंड में ही अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जा रही है लाइक like जैसे कि कोई ट्यूमर का डेवलपमेंट जैसे हो जाता है तो ट्यूमर का डेवलपमेंट जब पैराथॉरोड हार्मोन में होता है तो सबसे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं वुमेन्स के अंदर और वुमेन्स में भी प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग वुमेन्स इनके केस में जो पैराथोरयॉड ग्लैंड होता है उनका ट्यूमर उनके अंदर ट्यूमर डेवलप होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है और जब पैराथोरयॉड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाता है दैट इज ये एब ऑफ द पैराथोराड हार्मोन ग्लैंड की वजह से जब पैराथोरॉयड हार्मोन का इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर तब जाकर के हम लोग इसको कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथोरडिज्म तो अगर पैराथॉरयड ग्लैंड में कोई एबनॉर्मैलिटी थी लाइक like ट्यूमर उसकी वजह से पैराथॉराइड हार्मोन का इंक्रीज हो गया हमारे ब्लड प्लाज्मा में इसको हमने कह दिया प्राइमरी हाइपर पैराथॉरिज्म और फाइनली इस पैराथॉरयड हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से जो पैराथॉरयड हार्मोन का मेन फंक्शन होता था दैट इज़ ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना और ब्लड फॉस्फेट कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करना ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने लगता है दैट इज़ ब्लड कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फॉस्फेट बहुत ही कम हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर So, ये था प्राइमरी हाइपर की वजह से क्या होता है अब प्राइमरी हाइपर का अलग अलग जगह पे हम लोग इफेक्ट देखेंगे दैट इज इट्स इफेक्ट ऑन बोन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस हाइपर का दैट इज पैराथोर हार्मोन के इंक्रीज होने का बोन पे इफेक्ट क्या होता है क्योंकि हमें पता है कि पैराथॉरोड हार्मोन जो होते हैं वो बोन के रिजॉर्प्शन का काम करते हैं दैट इज बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट का रिलीज करवाते हैं तो जैसे ही अगर ये हाइपर पैराथॉरोडिज्म हो जाएगा दैट इज पैराथॉर्यड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो बोन का रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बोन की जो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिस वजह से बोन मे बी इंटायर ईटन अप इंटायरली पूरा बोन खत्म हो सकता है मतलब बहुत ज़्यादा बोन जो होगा वो ईटन अप हो जाएगा और ये लीड कर सकता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स इवन इन माइल्ड ट्रॉमा इस केस में बोन में छोटा सा भी ट्रॉमा या फिर छोटी सी भी इंजरी होगी उस वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स का डेवलपमेंट हो सकता है मिल सकता है वॉट इज ओस्टाइटिव डीकेफिकेशन ऑफ द बोन दैट इज बोन्स का एक्सटेंसिव डीफिकेशन होता है क्योंकि पैराथेड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और लार्ज पंचड आउट सिस्टिक एरियाज बन जाते हैं ड्यू टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओस्टियोक्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ जे एंड ट्यूमर्स सो बहुत ही मतलब बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट के हाइपर एक्टिविटी की वजह से ओस्टियोक्लास्ट से भरे हुए कुछ एरियाज बन जाते हैं पंचड आउट एरियाज बन जाते हैं कुछ डिप्रेस्ड एरियाज बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर्स इसको हम लोग कहते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका और फाइनली जो हम लोग की जो और जो इस केस में जो बोन होती है वो फाइनली बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल हो जाती है इंजरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल हो जाती है फ्रैक्चर्स के लिए मल्टीपल फ्रैक्चर्स के लिए इवन इन द माइल्ड ट्रामा सेकेंडरी इफेक्ट जो बोन्स पे देखने को मिलता है कि जो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है वो भी सेकेंडरीली इंक्रीज हो जाती है इन अ वेन अटेम्प्ट टू इंक्रीज टू फॉर्म द इनफ न्यू बोन सी बोन का जो रिजॉर्प्शन हो रहा है वो इंक्रीज़ है दैट इज़ बोन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बोन जो है वो बहुत ही ज्यादा टूट रहा है उसमें से कैल्शियम का रिलीज फोस्फेट का रिलीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका एक्सटेंसिव डी कैल्सिफिकेशन हो रहा है जैसे ही बोन को ये पता चलता है तो बोन अपने ओस्टिओब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है बट ये ऑस्टिओ एक्टिविटी उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाता है कि वो बोन के डी या फिर बोन के रिजॉर्प्शन को कम्बैट कर सके इसीलिए ये ओस्टियो कैविटी एक्टिविटी एक एक लेकिन बोन इंक्रीज करने की कोशिश करता है जिस वजह से वो चाहता है कि अपने बोन को बचा सके और ओस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ करते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि ओस्टियो एक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से एल्कलाइन फोस्विटेज एंजाइम का जो लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है और एल्कलाइन फोस्वेटेज लेवल का ब्लड में जो इंक्रीज़ हो जा रहा है यही एक्चुअली में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होता है हाईपर पैराथरिडिज्म का क्योंकि अगर हाइपर पैराथॉरेडिज्म होगा तो सिंपल सी बात है कि ओस्टियोक्लास्ट ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी तो पहले बड़ी ही होगी मतलब एक्सटेंसिव डी हो रहा होगा और साथ ही साथ रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन ज़्यादा हो रहा होगा इसको कम्बैट करने के लिए हमारा बोन ऑस्टियोब्लास्टिक कैविटी को इंक्रीज़ कर रहा होगा जिसके लिए वो एल्कलाइन फॉसवेटिस को ब्लड में प्रोड्यूस कर रहा होगा इसका मतलब हमें यही डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हो जाता है हाइपर पैराथोरेडिज्म का मतलब किसी पेशेंट के अंदर अगर एल्कलाइन फोसोटिस उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो फिर ये एक फाइंडिंग हो सकता है हाइपर पैराथोरेडिज़म का इसके बाद हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपर कैल्मिया सी इसके अंदर क्योंकि पैराथॉर हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और कैल्शियम का लेवल क्योंकि पैराथॉरियड हार्मोन कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज़ करवा देता है तो हाइपर कैल्शियमिया के जो इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखा था लाइक नर्वस टिश्यू डिप्रेशन मसल एक्टिविटी डिप्रेशन डिक्रीज क्यूटी इंटरवल ऑफ द हार्ट कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट ये सारे इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कैल्मिया भी हमें देखने को मिल सकते हैं नाउ तीसरा इफेक्ट हम लोग हाइपर पैराथेरॉडिज्म का देखेंगे दैट इज पैराथेरॉयड पॉइजनिंग एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन सी पैराथेरायड हार्मोन का हम लोग जनरल फंक्शन जानते हैं कि वो बोन रिजॉर्प्शन भी करवाता है और रीनल एक्सक्रीशन भी करवाता है बोन रिजॉर्प्शन की वजह से वो फॉस्फेट की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज करवाता है वैल रीनल एक्सक्रीशन की वजह से फोस्फेट की कंसेंट्रेशन वो ब्लड में डिक्रीज करवाता है और पैराथेराइड हार्मोन का जो मेन मेन इफेक्ट होता है वो किडनीज के अंदर देखा जाता है दैट इज़ ये जो रीनल एक्सक्रीशन वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट करता है इस बोन रिजॉपशन वाले फैक्टर पे जिस वजह से अल्टीमेट इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि पैराथैरोड हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कराता है बट एक एबनॉर्मल केस होता है दैट इज द केस ऑफ पैराथैरॉयड पॉइजनिंग ये केस कब डेवलप होता है जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन 17 मिलीग्राम पर डेसी से भी ज़्यादा हो जाती है तब जाकर केस डेवलप होता है पैराथायरॉयड पॉइजनिंग का इस केस के अंदर ये जो बोन पैराथरयड हार्मोन इस केस में भी दोनों पे इफेक्ट करेगा दैट इज बोन का रिजॉर्प्शन भी करवाएगा और रीनल का एक्सक्रीशन भी करवाएगा लेकिन पैराथरॉयड पॉइजनिंग के केस में ये जो बोन रिजॉर्प्शन वाला फैक्टर होता है जिसकी वजह से फॉस्फेट का कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा ये फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है रीनल एक्सक्रीशन वाला जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से फॉस्फेट का कंसनट्रेशन ब्लड में डिक्रीज होगा ये वाला फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है इन द केस ऑफ पैराथरॉयड पॉइजनिंग जिस वजह से फॉस्फेट का कंसनट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अब हमें पता है कि कैल्शियम जो होगा वो अपने वो 17 मिलीग्राम पर डेसी से ज़्यादा है तभी ये केस डेवलप होगा मतलब कैल्शियम पहले से ही सुपर सैचुरेटेड स्टेट में प्रेजेंट है ब्लड में और इसकी वजह से पैराथरॉड पॉइजनिंग डेवलप हो रहा है जिस वजह से फॉस्फेट भी सुपर सैचूरेटेड स्टेट में प्रेजेंट हो जाता है ब्लड में जिस वजह से ये कैल्शियम और फॉस्फेट मिल करके फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल्स का कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स का ये जो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं फाइनली ये जाकर के डिपोजिट करते हैं डिफरेंट एरियाज में लाइक एल्व्योली ऑफ द लंग्स में डिपोजिट करेंगे ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी के अंदर थारॉयड ग्लैंड के अंदर स्टमक म्यूकोसा के अंदर एंड आर्टेरियल वॉल के अंदर ये जाकर के डिपोजिट होते हैं सो so, इस पूरे इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पैराथायरॉयड पॉइजनिंग एंड मेटास्टेटिक कैल्सफिकेशन जो कि एक तीसरा इफेक्ट है जो कि हम लोग देख रहे हैं किसका हाइपर पैराथॉरोडिज्म का आफ्टर इफेक्ट ऑन बोन एंड इफेक्ट ऑफ हाइपर कैल्मिया चौथा इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन सी किडनी स्टोन का भी फॉर्मेशन होता है हाइपर पैराथोरडिज्म के केस में ये कैसे होता है कि जो हमें पता है पैराथर्ड हॉर्मोन इंक्रीज़ है इस केस में हाइपर पैराथरिडिज्म के केस में पैराथरेड हॉर्मोन के इंक्रीज होने की वजह से बोन का रिजॉर्प्शन इंक्रीज है जिस वजह से कैल्शियम का कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर््शन कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा साथ ही साथ रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज भी जो होता है वो इंक्रीज होता है जिस वजह से कैल्शियम का अल्टीमेट ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और सिक्रीशन जो होता है वो नॉर्मल ही हो रहा होगा जैसा नॉर्मल सिक्रीशन होता है वो नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा होगा लेकिन इसके बावजूद कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है सी री ऑफ द कैल्शियम भी इंक्रीज हो गया है बट फिर भी एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम इंक्रीज हो गया है ऐसा क्यों है सी ऐसे हम लोग एक फिगर के थ्रू इस इसको इस फिगर के थ्रू देखेंगे जिसके अंदर हम लोग जब आ, जब हम लोग इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखते हैं तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब पैराथरड हार्मोन नॉर्मल प्रेजेंट होता है तो नॉर्मली किडनीज के अंदर टेन था, थाउजेंड मिलीग्राम पर डे का मान लीजिए एक्सक्रीशन हो रहा है कैल्शियम का और इसमें से रिओब्जॉपन हो जा रहा है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मिलीग्राम का जिस वजह से यूरिन के अंदर जो यूरिन आउटपुट मिलता है हमें कैल्शियम का वो हंड्रेड मिलीग्राम पर डे का मिलता है अब पैराथाइड हार्मोन बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो गया जिस वजह से कैल्शियम जो हो गया दो दो तो था वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ड्यू टू री एब्जॉर्प्शन ड्यू टू रिजॉर्प्शन फ्रॉम द बोन्स एंड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया लेट सपोज ट्वेंटी थाउजेंड मिलीग्राम अब कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो गया इस इंक्रीज कैल्शियम के एक्सक्रीशन को देख करके हमारे किडनीज ने रीएब्जॉर्शन इंक्रीज करवा दिया जो पहले 9,900 मिलीग्राम का रीएब्सॉप्शन हो रहा था पर डे अब ये रीएब्सॉप्शन उसने इंक्रीज करवा करके 19,800 कर दिया ठीक इसका डबल रीअब्जॉप्शन करवा दिया सी डबल एक्सक्रीशन हुआ तो उसका रीएब्सॉप्शन भी किडनी ने डबल करा दिया लेकिन इसके बावजूद जो यूरिन का आउटपुट होता है वो 200 मिलीग्राम पर डे हो जाता है दैट इज जो कि पहले 100 मिलीग्राम पर डे जो यूरिन में कैल्शियम का आउटपुट था वो अब 200 मिलीग्राम पर डे हो गया मींस हमारी किडनीज़ ने कोशिश तो किया कि रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का बट ये री इंक्रीज करने के बावजूद जो यूरिन के अंदर कैल्शियम का कैल्शियम जो रिलीज होता है वो पहले जो रिलीज हो रहा था कैल्शियम उससे ज्यादा हो जाता है इन द केस ऑफ इंक्रीज ऑफ पैराथेराइड हार्मोन अब ये जो इंक्रीज कैल्शियम यूरिन में प्रेजेंट है इनका फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल्स का कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स का और ये कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फाइनली स्टोन्स का रूप ले लेते हैं जिस वजह से स्टोन्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम ऑक्जिलेट देखने को मिलता है अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो स्टोन्स होते हैं ये इन इस इन स्टोन्स की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एल्कलाइन यूरिन के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है वाइल एसिडिक यूरिन के अंदर इन स्टोन्स की सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है इसीलिए इन स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जनरली एसिडिक ड्रग्स या फिर एसिडिक डाइट्स को सजेस्ट करते हैं क्योंकि इन ड्रग्स एसिडिक ड्रग्स और एसिडिक डाइट्स की वजह से जो यूरिन हो जाता है उसका पीएच एसिडिक हो जाता है और एसिडिक पीएच में ये स्टोन सोलिबल हो जाते हैं और जब इन स्टोन्स की सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये स्टोन्स ईजिली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं एंड यही जनरली ट्रीटमेंट होता है स्टोन्स का सो so ये टोटल चार इफेक्ट्स हमने देखे प्राइमरी हाइपर पैराथेराटिज़म के तो हमने पहले हाइपर पैराथोडिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज अगर कॉज जो था वो एबनॉर्मेलिटी ऑफ द ग्लैंड इट्सल्फ था जिसमें से मोस्ट कॉमन कॉज होता है ट्यूमर का डेवलपमेंट तो उस कॉज की वजह से जो है हाइपर पैराथरटिज्मेवलप हो रहा था उसको हम लोग कहते थे प्राइमरी हाइपर पैराथरटिज्म अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथरडिज्म सेकेंडरी हाइपर पैराथरिटिज्म जो होगा वो हाइपोकैल्सीमिया के रिस्पॉन्स में डेवलप होने वाला हाइपर पैराथोरडिज्म है मतलब कैल्शियम का लेवल किसी भी वजह से अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है इस कैल्शियम के लेवल को कम देख करके जो पैराथॉराड हार्मोन का स्टिमुलेशन होता है जो कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कैल्शियम जो होता है जो पैराथोराइड हार्मोन के अंदर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं ब्लड कैल्शियम पे तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल बहुत ही कम होता है ब्लड के अंदर तब जा कर के जब पैराथॉराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है पैराथरॉयड ग्लैंड से इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथॉरोडिज्म सो इट इज एक्चुअली द हाइपर पैराथोरडिज्म इन रिस्पॉन्स टू हाइपोकैल्सीमिया जबकि अगर पैराथोरॉड ग्लैंड के अंदर कोई डिफेक्ट हो रहा है उस वजह से हाइपर पैराथोर हो रहा है तो उसको हम लोग प्राइमरी हाइपर पैराथोडिज्म कहते हैं सो दिस इज नॉट ड्यू टू द प्राइमरी डिफेक्ट इन द पैराथोड ग्लैंड क्योंकि प्राइमरी डिफेक्ट इन द पैराथोरॉड ग्लैंड की वजह से होने वाला हाइपर पैराथरडिज्म इज प्राइमरी हाइपर पैराथोरिडिम अब ये जो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पैराथोरॉइड हार्मोन इंक्रीज हो रहा है ये हाइपोकैल्सिमिया जो डेवलप हो रहा है ब्लड के अंदर जो हाइपोकैल्सीमिया के जो रीजन होते हैं उसमें से मोस्ट कॉमन रीजन होता है विटामिन डी की डिफिशियं विटामिन डी की डिफिशियंसी डायरेक्ट रीजन हो सकती है या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से होने वाली विटामिन डी की डिफिशियंसी लाइक किसी को क्रोनिक रीनल फेलियर है तो उसका ट्वेंटी फाइव हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल वन ट्वेंटी फाइव डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सफ्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जिस वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो या तो डायरेक्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो या तो क्रोनिक रीनल डिजीज की वजह से विटामिन डी की डिफिशेंसी हो ये दोनों मेन कॉज होते हैं इन हाइपो के और अगर हाइपो डेवलप हो गया तो जो ब्लड के अंदर हाइपो होता है उसको सेंस कर लेता है पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर और जैसे ही हाइपोकैल्सीमिया को वो सेंस करता है तो वो पैराथायरॉड हार्मोन का रिलीज इंक्रीज करवा देता है और ये इंक्रीज पैराथॉरयड हार्मोन जो होते हैं वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म कर करके कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज करवा देते हैं सो so, ये हमने दोनों डिसऑर्डर्स ऑफ द कैल्शियम होम्योस्टेसिस मेन जो कि पैराथोरय हार्मोन से रिलेटेड है दैट इज हाइपो एंड हाइपर एक एक करके डिस्कस किया So this is all about this video if you like this video please hit the like button and do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get notifications on more such videos if you want notes on the following videos then message me on my instagram handle link is given in the description below thank you